हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन। दिस इज सतीश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट सेशन ऑफ पैसिव वॉइस। आज हम का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। देखिए, पहले जो हमारे प्रीवियस जो सेशन था उसमें हमने जो इंट्रोडक्शन ऑफ पैसिव वॉइस पढ़ा, उसमें हमने ये सीखा कि हाउ टू चेंज पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द टेंसेज। उसके बाद में हमने ये सीखा कि जो टेंस होते हैं, जो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं, उनमें एक्टिव वॉइस में कैसे जो स्ट्रक्चर होती है, वो पैसिव वॉइस में उसको कैसे स्ट्रक्चर में बनानी है हमें। उसके बाद में हमने सीखा कि जो हमारे टेंस होते हैं वो उनको कैसे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारी जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम ये चीज़ सीखेंगे कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते क्या हैं और उनको कैसे चेंज करते हैं। देखो, ध्यान से समझना आपको। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन ये आता है वो ये आता है कि जो हमारे आर ए टी आई वी इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेज होते क्या हैं। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का आपको ये ध्यान में ये रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, फिर दूसरा हमारा क्या आ गया, डू नॉट से आ गया, तीसरा हमारा क्या आ गया, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाला आ गया, उसके बाद में नेक्स्ट होगा वो लेट होगा। यानी कि इंपरेटिव जो सेंटेंस होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन जो होगी वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। कम हियर, गो देयर, गिव मी योर बुक, स्टॉप इट, गो देयर, उसके बाद में ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, राइट योर नोट, ब्रिंग योर नोटबुक, राइट एन एप्लीकेशन, देयर आर लॉट ऑफ सेंटेंसेज हियर। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट हो रहा है डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट गो देयर, डू नॉट गिव हिम ए बुक, डू नॉट टीज मी, डू नॉट, देयर लॉट ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पे डू नॉट वाले सेंटेंसेस भी क्या कहलाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। फिर उसके बाद में आ गया प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाला, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज। उसके बाद में यहाँ पे प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस भी क्या कहलाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। उसके बाद में हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है लेट आता है, तो लेट मी डू इट, लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी डू समथिंग। तो यहाँ पे हमारा जो लेट वाला भी किसमें इंक्लूड होगा, इंपरेटिव सेंटेंस में जो है वो इंक्लूड होगा। देखिए, आइए जानते हैं, देखते हैं कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सबसे हमारी जो मेन बात यह है, एक फॉर्मूला जो है इसमें हमें वो ध्यान रखना है, वो ये हो गया कि लेट, उसके बाद में हमारा प्लस लगा के क्या आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में क्या आ गया, बी आ गया, और फिर कौन सी फॉर्म आ गई, वो की थर्ड फॉर्म आ गई। देखिए, जितनी भी हमारी जो पैसिव वॉइस होते हैं, जितने भी हमारे चेंज करने वाले जो पैसिव वॉइस होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, किसमें चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चेंज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी एक्टिव से पैसिव की जो फॉर्मेट होगा ना उसमें थर्ड फॉर्म होगी। समझ आया आपको? अब देखिए, वन टू वन हम लेके देखते हैं। हमारा फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, लेट है, लेट के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। हमारी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो हम क्या करते हैं कि हम सीखते आए हैं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, और फिर हम आके उसका सही वहां तक तो क्या करते आते हैं, हम सीखते आते हैं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, लेकिन वहां उसको प्रैक्टिकल कहाँ करते हैं, यहाँ पे आके करते हैं प्रैक्टिकल। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो हमारा जो सिखाते सिखाते क्या हो गया, वो सीखते सीखते आ रहे हैं और फिर उनका प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। तो देखिए, कैसे प्रैक्टिकल करेंगे ये हम जानेंगे, पहले सीख लेते हैं। देखिए, सेंटेंस लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि राइट राइट दिस एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर मी। ये सेंटेंस देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। देखो, ध्यान से समझते जाना है, इसमें मैं जोर क्यों दे रहा हूं ये आपको समझना है। अब यहां इसके तुरंत बाद में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा।
ये आपको फोर प्लस ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये नहीं लेना है हमें, ये तो क्या हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसके बाद वाला, प्रीपोजिशन के बाद वाला हमें नहीं लेना है। समझ आ गया? अब आप कहोगे सर आपने तो पहले ये बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद वाला लेना है, ही लाव्ड एट, वो आया था कि ही लाव्ड एट मी, तो आपने मी लिया था। अरे वो नहीं है, वो तो उसके साथ फिक्स है, लाव्ड के साथ में एट प्रीपोजिशन है वो फिक्स है। यहां आपका जो सेंटेंस है, जो बात आती है वो क्या आती है कि ही एल ए यू जी एच ई डी लाव्ड एट मी, ये सेंटेंस है। और यहां पे देखिए ये इसके साथ में फिक्स है, इसलिए ये वाला जो है ऐसा रूल नहीं, ये फिक्स नहीं है। यहाँ पे राइट दिस एप्लीकेशन, यहाँ क्लियर है, सेंटेंस कंप्लीट है। बट यहाँ पे ही लाव्ड मी नहीं आता है, ही लाव्ड एट मी आता, वो मेरे पे हंसता है। तो इसका जैसे ही आप करोगे तो आई वॉज और क्या हो जाएगा लाव्ड एट, फिर यहाँ इसका क्या बन जाएगा बाई लगेगा, और ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। यानी कि ये जो एट है ये इसके साथ में फिक्स रहेगा, ये हटेगा नहीं, और यहाँ बाई वापस और लगेगा उसके साथ में। समझ आ गया? वैसे ध्यान रखना यहाँ फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इस तरह से प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है उसको नहीं लेना है। अरे हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, देखो ये रहा, ठीक है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या करते हैं, लेट, यहाँ पे क्या आ गया लेट, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा इस वर्ब के बाद वाला, तो लेट दिस एप्लीकेशन, लेट दिस एप्लीकेशन यहाँ पे किस में चेंज करना है बी में, फिर क्या हो गया बी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटर्न, उसके बाद में क्या आ गया फॉर मी। समझ आएगा आपको? वापस देखना जो लेट है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बचा कुचा भाई आगे जो है वो हो गया, आगे बचा हुआ वो आ जाएगा, इसका कोई वो नहीं है। तो क्या आ गया लेट आ गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट इस वर्ब के बाद मिलेगा वो लिख दिया, फिर हमें बी लगाना है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटर्न हो जाएगी, उसके बाद में फोर यानी कि जो आगे बचा हुआ वो हमें लेना है। अब देखिए हम जो बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करते हैं, फिर कहाँ पे करते हैं ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि टीच मी, टीच मी इन माई क्लास, ये एक सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखा है, टीच मी इन माई क्लास, ओके। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, लेट से स्टार्ट किया, ठीक है, लेट से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट है, फिर बच्चे क्या करते हैं इसको आई बना देते हैं, लेट आई, फिर क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा इन माय क्लास, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। इज इट राइट, सही क्या नहीं, क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये जो लेट है ये भी वर्ब होती है, ये भी क्या होती है वर्ब होती है, और कभी भी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, सॉरी सब्जेक्टिव केस नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ मी की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई की जगह है मी करेंगे, तो लेट मी बी टॉच इन माई क्लास। समझ आ गया क्या? देखिए बार बार आप लोग भी ये शायद गलती की होगी करने से पहले, अगर मैंने बताया उसके बाद में तो आई डोंट नो आप नहीं करोगे, ओके। इसके बाद में और देखिए, देखिए इसी सेंटेंस को हम डबल ऑब्जेक्ट में भी ले सकते हैं, कैसे, टीच मी इंग्लिश हेयर, ये आ गया, या फिर इन माई क्लास, यही ले लेते हैं इन माई क्लास, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया लेट, ऑब्जेक्ट इंग्लिश से ले होगी क्या, इंग्लिश से ले लीजिए इंग्लिश, फिर क्या हो गया बी, फिर क्या हो गया लेट इंग्लिश बी टॉट, क्या लग गया टॉट टू मी, ये टू जो है वो नहीं हटाना है, ये ध्यान में रखना है। तो लेट इंग्लिश बी टॉट टू मी,
इन माई क्लास, इन माई क्लास, ये सेंटेंस आपके सामने। देखो अच्छे से क्लियर हुआ क्या, समझ आ गया आपको? आप बोलोगे नहीं सर तो मी से बनाएंगे, तो मी से ये रहा, लेट मी बी टॉट, यहाँ क्या आ जाएगा, इंग्लिश इन माई क्लास। इस तरह से वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आप लोग इसको चेंज करो तो लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, और लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होगी उसको हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रखना है। और वो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, वो ऑब्जेक्ट हमें सब जो वर्ब है उसके बाद मिलेगा। जैसे एक सेंटेंस और लेके देखते हैं, आपके सामने सेंटेंसेस बहुत सारे हैं, जैसे कि चेंज द सेंटेंस, अच्छा सा सेंटेंस लिखता हूँ, चेंज द सेंटेंसेस, चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, इनटू पैसिव वॉइस, ये सेंटेंस है, ठीक है, चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। कहीं ना कहीं आपको सेंटेंसेस दे रखे होंगे, उनको किस में चेंज करवा रहा है, पैसिव वॉइस में करवा रहा है। या फिर ट्रांसलेट द सेंटेंस, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस, ओके, इनटू सेंटेंसेस इनटू हिंदी, आपको किस में चेंज करना है, इन सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट, ओके। अब देखिए दोनों सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, ये क्या हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो किससे स्टार्ट करेंगे, लेट से स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ये रहा, तो लेट द सेंटेंसेस, लेट द सेंटेंसेस, ओके, बी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, चेंज्ड, बी चेंज्ड, उसके बाद में इनटू पैसिव वॉइस, इनटू पैसिव वॉइस। देखो जरा समझ आया क्या, चेंज का थर्ड फॉर्म होगी लेट, ऑब्जेक्ट बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आगे जो बच गया वो लगाना है। इज इट क्लियर, क्वाइट क्लियर। नेक्स्ट, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी, तो यहाँ क्या हो गया लेट, यहाँ पे क्या लगा देंगे, दीज सेंटेंसेस, ओके, बी ट्रांसलेटेड, बी ट्रांसलेटेड, ओके, फिर यहाँ पे क्या बच गया, इनटू हिंदी, इनटू हिंदी। देखो समझ आएगा आपको, इस तरह से हमारे जो फर्स्ट फॉर्म द वर्ब वाले जो सेंटेंसेस थे, एक जैसे लिख के वो बताता हूँ कि राइट, राइट एंड, या फिर काइंडली, यहाँ पे वो लिखते हैं काइंडली, ये नेक्स्ट करेंगे, राइट एंड एप्लीकेशन, राइट एंड एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, टू द हेडमास्टर, ये सेंटेंस है, ओके। फिर यहाँ पे राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट एन एप्लीकेशन, लेट एन एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में बी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन टू द हेडमास्टर, टू द हेड मास्टर, ये हो गया। इस तरह से आपका क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला जो है कंप्लीट हुआ, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसको हम इस तरह से चेंजेस करेंगे, और लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है डू नोट वाला, ठीक है। डू नोट वाला जो है उसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि देखो फॉर्मूला हमें वही स्टार्ट करना है, वही क्या करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट बी। देखिए उसमें जुड़ क्या गया, नोट जुड़ गया, किससे पहले, बी से पहले। देखो ये ध्यान रखना, नोट जो है ना वो किस में लगाएंगे हम, बी से पहले लगाएंगे, नोट की हमेशा थर्ड पोजिशन होती है जो हमने यहाँ पे रखी है। तो देखिए डू नोट,
डू नॉट गिव हिम माई बुक, डू नॉट गिव हिम माई बुक, ये सेंटेंस है। आप इसको जैसे ही क्या करोगे, देखो इसको करने के वैसे दो तरीके हैं। अगर आपको एग्जाम में अगर दे तो एक तो सीधा सा है कि यू आर फॉरबिडन, यू आर एफ ओ आर बी आई डबल डी ई एन, यू आर फॉरबिडन, ओके। फिर यहाँ पे टू गिव हिम ए बुक, ये हो गया एक तो सेंटेंस ही है और सीधा सिंपल सा सेंटेंस है। उसके बाद में यहाँ हमारा जो है उसको जो इस तरह से चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या रखेंगे, यहाँ पे लेट आ गया, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट रख लिया हमने, लेट हिम नॉट, बीच में क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, तो लेट हिम नॉट बी, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन, लेट हिम नॉट बी गिवन माई बुक, माई बुक, समझ आ गया आपको। यहाँ पे लेट हिम नॉट बी गिवन माई बुक, या फिर इससे बनाओगे माई बुक से तो क्या हो जाएगा, लेट माई बुक नॉट बी गिवन टू हिम, फिर क्या लग जाएगा, टू हिम लग जाएगा, ये ध्यान रखना, ओके। फिर क्या आ गया, माई बुक, इसमें ये जो बच गया वाला टू हिम हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, डू नॉट अब्यूज हिम इन द मार्केट, इन द मार्केट, ठीक है, यहाँ पे, या फिर इन द स्कूल कर लीजिए, इन द स्कूल, उसको स्कूल में गाली मत दीजिए, कहीं आपस में होगी बात स्टूडेंट्स की, तो डू नॉट अब्यूज हिम इन द स्कूल, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेट, यहाँ हिम आ गया, लेट हिम नॉट बी अब्यूज्ड, बी अब्यूज्ड, ओके, इन द स्कूल, इन द स्कूल, ये हो गया, समझ आ रहा आपको, लेट आया, ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट बी अब्यूज्ड इन द स्कूल। दूसरा देखिए, डू नॉट राइट हेयर, डू नॉट राइट हेयर, क्या आ गया, लेट, अब यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो लेट नॉट बी रिटन हेयर, लेट नॉट बी रिटन हेयर, ओके, क्योंकि वही है जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, ये बनेगा नहीं, बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेट वाला। और यहाँ पे इफ यू डू नॉट राइट समथिंग, हमें क्या बना लेना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, डू नॉट राइट समथिंग हेयर, ऐसे कर लो इसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डू लेट समथिंग, यहाँ पे क्या हो गया, समथिंग यहाँ लग गया, तो क्या हो गया, लेट समथिंग नॉट बी रिटन हेयर, समझ आ गया आपको डू नॉट वाला। एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ बोला मैंने डू नॉट स्पीक हिंदी, ये सेंटेंस है, ओके, तो यहाँ क्या हो गया, लेट हिंदी बी स्पोकन, लेट हिंदी बी स्पोकन, ये लो, क्लियर हो गया डू नॉट वाला। अब उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्लीज और काइंडली वाला। देखिए इसको अलग अलग तरीके से बताएंगे। सबसे पहले जैसे ही आपको प्लीज और काइंडली वाला सेंटेंस स्टार्ट मिलता है, आपको जैसे ही प्लीज और काइंडली वाला सेंटेंस स्टार्ट मिलता है तो उसको हम सीधा सही है क्या, कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, टू लगा के आगे प्लीज काइंडली को हटा के आगे का सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। जैसे कि प्लीज हेल्प मी, ये बोला प्लीज हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। या फिर दूसरा जो सेंटेंस होगा वो देखिए, यहाँ पे इसको करने का एक दूसरा तरीका और भी, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एक तरीका तो ये हो गया सीधा सही है, वो लेट वाला रूल है वो इस पर लागू नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लीज हेल्प मी,
तो वो लेट वाला रूल है वो इस पे लागू नहीं होगा। इसमें एक तो या तो ये तरीका करने का क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है, प्लीज गिव हिम बुक्स। यहाँ एक और लिखा मैंने, प्लीज गिव हिम बुक्स, ये सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या करना आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम बुक्स हो गया, समझ आ गया आपको। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे एक तरीका और भी है जो मोस्टली एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे, क्या हो गया यहाँ पे, ये इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो आई, फिर यहाँ क्या लिखूँ मैं, आई शुड बी हेल्प्ड, ये हो गया, यानी कि शुड बी से जुड़ जाएगा ये। यहाँ प्लीज गिव हिम बुक्स, तो क्या हो गया, बुक्स शुड बी गिवन टू हिम, समझ आया, यानी कि जितने भी हमारे प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंसेज हैं, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज, ये सेंटेंस लिखा आपने, ओके। तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज, समझ आया। या फिर हम क्या लिखेंगे, आई शुड बी ग्रांटेड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, आई शुड बी ग्रांटेड लीव फॉर टू डेज, समझ आ गया आपको, प्लीज काइंडली वाला समझ आ गया होगा। अब हम देखिए ये देखते हैं कि जो लेट वाला होता है उस लेट वाले को आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, लेट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके। देखो कैसे क्या रूल करना है, लेट वाले में वही रूल लागू होगा, कौन सा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाई के बाद में एक और ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे लेट मी स्पीक हिंदी इन द क्लास, लेट मी स्पीक हिंदी इन द क्लास, ये सेंटेंस है, ओके आपके सामने ये सेंटेंस है। अब इसको जैसे ही आप चेंज करोगे तो हमें किससे स्टार्ट करना है, लेट से ही स्टार्ट करना है, राइट। यहाँ पे लेट ये वाली, यानी कि लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रखना है, वर्ब के बाद वाला रखना है, वर्ब के बाद वाला रखना है, ये इसके अंदर कॉमन है, इम्पोर्टेंट है। इस वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो लेके आएंगे, तो लेट हिंदी, लेट हिंदी बी स्पोकन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या हो गया, बाई, बाई के बाद में ये जो लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो यहाँ रखना है, तो मी इन द क्लास, मी इन द क्लास, इज इट क्लियर। सेंटेंस और देखना, लेट मी या फिर लेट हिम टीच दिस सब्जेक्ट नाउ, दिस सब्जेक्ट नाउ, ये सेंटेंस है, ओके। आप इसको लेट से बनाओगे, फिर इस वर्ब के बाद वाला ये हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना है, तो लेट दिस सब्जेक्ट, लेट दिस सब्जेक्ट, फिर क्या लगाओगे, बी लगा दोगे, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, क्या बच गया, बाई हिम, और यहाँ क्या आ गया, नाउ आ गया, समझ आ गया अच्छे से। यहाँ पे उसके बाद में एक और देखते हैं लेट वाला, यहाँ क्या लिखेंगे, लेट हिम किल द स्नेक, लेट हिम किल द स्नेक इन द हॉल, इन द हॉल, ये सेंटेंस है, ओके। तो क्या करोगे, लेट यहाँ क्या लग जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट लेना है, यानी कि इस
वर्ब के बाद वाला। तो लेट द स्नेक, लेट द स्नेक बी थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल्ड। ओके, बाई ऑब्जेक्ट क्या है, हिम इन, यहां क्या लग गया, द होल। ये इस तरह से आपका क्या हुआ, ये जो लेट वाले सेंटेंसेज हैं वो हैं। दो चार मिक्स सेंटेंस जो है वो हम सॉल्यूशन करेंगे। आपके सामने कुछ सेंटेंस हैं, लिसन टू मी। देखिए ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो इसको करने के मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो क्या बताया था, लेट मी बी लिसन टू, ओके। और दूसरा जो तरीका बताया था वो क्या हो गया, आई शुड बी एल आई एस टी ई एन लिसन टू, बस ठीक है। उसके बाद में ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो वही बात है, इसी शुड बी से बना लें तो क्या आ जाएगा, द ट्रूथ शुड बी, शुड ऑलवेज। ये जो ऑलवेज वर्ब है, जो एडवर्ब है, इसको इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखते हैं। द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन, ये है। इफ यू लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन, ठीक है। उसके बाद में डू इट फॉर मी प्लीज, तो प्लीज से स्टार्ट हो गया, किससे स्टार्ट हो गया, प्लीज से स्टार्ट हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। या फिर इसको कैसे चेंज करो, देखो तो इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो सारे के सारे इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं हम। आप ये देखना लेट से स्टार्ट होगा या फिर दूसरा तरीका ये है, ये दोनों तरीके ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। शुड बी से चेंज करना, ये भी आपको कई बार ऑप्शन में मिल जाता है, वहां पे लेट से स्टार्ट न देके इनसे भी मिल जाता है, ओके। उसके बाद में क्या आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, यहाँ पे प्लीज हट जाएगा। उसके बाद में आ गया लेट मी स्कोल्ड हिम, तो देखिए यहाँ पे लेट ये वाला क्या आ गया, हिम आ गया, लेट हिम बी स्कोल्डेड, और बाई के बाद में उस ऑब्जेक्ट का यहाँ क्या लगाएंगे, मी, ठीक है भाई। यहाँ पे फिर क्या बच गया, नाउ। वैसे ही लव योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी लव्ड, ऐसे चेंज कर दो, या फिर लेट योर कंट्री बी लव्ड। इस तरह से ये वाले हमारे सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंसेज हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको, कोई भी कंफ्यूज है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।